नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन, आँख का डॉक्टर हूँ। नंदादीप आई हॉस्पिटल करके मेरा अस्पताल सांगली महाराष्ट्र में है। मैं पिछले 40 बरस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो NABH एक्रीडेटेड भी है। मेरे मन में जो भी सवाल थे उनके जवाब मुझे जीवन विद्या मिशन ये संस्था है, जिसके संस्थापक है तत्वज्ञ वामनराव पै। इनके तत्वज्ञान में मुझे बहुत सवाल इनके जवाब मिले और मैंने उनको सवाल पूछा कि इस जीवन विद्या मिशन का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने बताया, इस विश्व में शांति होनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके अशांति क्यों है, इसका उत्तर उन्होंने दिया कि ईश्वर के बारे में जो संकल्पना है वो गलत है, उसकी वजह से। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि ईश्वर की संकल्पना जीवन विद्या मिशन की ऐसी है कि वह चैतन्य शक्ति का महासागर है, यानी कि कॉस्मिक लाइफ फोर्स जो इन्फिनाइट है, अदृश्य है, अव्यक्त है, असीम है, निराकार है और अनंत है, जिसको अंत नहीं, आदि भी नहीं, अंत भी नहीं। लेकिन वो जब सगुण यानी विश्व रूप में साकार हो गया, इनविजिबल कॉस्मिक लाइफ फोर्स एक्सप्रेस्ड इनटू विजिबल फॉर्म, और जो उसमें भी है, जिसे हमने बता दिया कि वो स्वरूप है, लेकिन इसका विश्व के शांति से क्या संबंध। देखो, जब वो इन्फिनाइट से फाइनाइट हो गया तो उसको सीमा आ गई। सीमा आने के बाद उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, और व्याख्या करना मतलब बहुत थोड़े शब्दों में किसी चीज़ का परिपूर्ण वर्णन करना। तो जीवन विद्या ने क्या बढ़िया व्याख्या की, जो बहुत ही शास्त्रीय है और तर्कशुद्ध है। क्या व्याख्या है उन्होंने व्याख्या की कि प्रकृति के नियमों का पालन करने वाली स्वयं चलित, स्वयं नियंत्रित, पद्धतिबद्ध नैसर्गिक व्यवस्था या प्रणाली, यानी कि ईश्वर। देखो, ये ऐसी व्यवस्था विश्व में सभी जगह मौजूद है और हम देख भी सकते हैं। मैं अभी उसके उदाहरण देता हूँ और इससे शांति कैसी होगी ये भी बताता हूँ। अभी देखो, हमारा मानव देह हमें मिल गया, ये भी एक व्यवस्था है, और हमारी इस मानव देह में हृदय है, श्वसन संस्था है, अंतर्ग्रंथि है, ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे चलती है। देखो, हमारा हृदय स्वयं चलित है क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें चाबी नहीं देना पड़ता है कि नहीं। दूसरी बात, वो स्वयं नियंत्रित है, मतलब उसके स्पंदन मिनट में 72 बार होते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उसके आसपास ही होते हैं। और वो कंट्रोल कैसे होता है, अपने आप कंट्रोल होता है। जैसे कि हम जोर से दौड़ने लगे तो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फिर वो बढ़ते हैं, लेकिन जब रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ज़रूरत कम हो जाएगी, तो फिर से नॉर्मल आते हैं। वो कौन नियंत्रण करता है, खुद ही, मतलब स्वयं नियंत्रित भी है, स्वयं चलित भी है, और ये नैसर्गिक है, किसी ने निर्माण नहीं किया, निर्माण हो गया, वो पद्धतिबद्ध है, परफेक्ट। सांस मतलब मिनट में 15 के आसपास, हृदय के स्पंदन मतलब 72 के आसपास, है कि नहीं। और इतना भी, अभी ये जो व्यवस्था है और डॉक्टर पटवर्धन के हृदय की व्यवस्था और किसी दूसरे की व्यवस्था, फर्क है क्या? नहीं। वो पंतप्रधान हो, राष्ट्राध्यक्ष हो या चपरासी हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, सब में व्यवस्था वही है, मतलब समानता आ गई। अब ये समानता जब हम जान जाएंगे, पूरी पहचान लेंगे, तो समता भाव निर्माण होगा, मतलब हम सब समान है, कोई ऊंच या कोई नीच नहीं, कोई श्रेष्ठ या कोई कनिष्ठ नहीं। ये आपको जान लिया, फिर अपने आप शांति पैदा होने के लिए उसकी मदद होगी, होगी कि नहीं। और इस विश्व में ऐसी व्यवस्था कहाँ कहाँ है, सभी जगह है। जैसे देखो ना, समुद्र का खारा पानी, उसकी बाफ होती है तो मीठा पानी तैयार होता है, बादल तैयार होते हैं, वह सब मीठा पानी रहता है। वो जब बरसते हैं तो झरने होते हैं, नदी होती है, फिर से समुद्र में मिलते हैं।
ये जो पर्यावरण है इसी को हम ईश्वर या व्यवस्था कहते हैं, है कि नहीं? और ये कैसे है? स्वयं चलित, स्वयं नियंत्रित है, हमारा थोड़ी उसके ऊपर कंट्रोल है। समुद्र की कितनी बाफ करने की, वो हमारे हाथ में थोड़ी है, नहीं है। इसका मतलब पर्यावरण, इसको ही हम नारायण यानी कि ईश्वर कहते हैं। इसलिए व्यवस्था का अनुभव ले सकते हैं, व्यवस्था हम देख नहीं सकते, व्यवस्था का अनुभव ले सकते हैं। और कितनी व्यवस्था है देखो ना, ये पूरा सौर मंडल है, इसमें बहुत से ग्रह है, जैसे कि पृथ्वी है। पृथ्वी देखो सूरज के चारों ओर घूमती है, और कितनी पर्टिकुलर है, उसका समय भी कितना है, बिल्कुल रोज 365 दिन में वो सूर्य का एक संक्रमण पूरी करती है, 365 दिन। और बहुत एक्यूरेट बताया जाए तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। देखो कितना सिस्टमेटिक है, एक्यूरेट है। ऐसी वो सिस्टमेटाइज्ड ऑर्डर विच इज इंट्रिंसिकली ड्रिवन, इंट्रिंसिकली कंट्रोल्ड एंड फॉलोज द लॉज ऑफ नेचर। देखो निसर्ग नियम से मंडित है। एक बार आपको फॉर्म मिल गया, आप असीम से सीमित हो गए, तो निसर्ग नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। लोग पूछते हैं, आप बोलते ईश्वर सभी जगह है, ये व्यवस्था हर जगह है। ठीक है, मानव में है आपने सिद्ध कर दिया, पत्थर में है क्या? क्योंकि लोग पत्थर का पूजा भी करते हैं ना, पत्थर की मूर्ति का। हम कहते हैं वो पत्थर की मूर्ति की पूजा करना उनका विश्वास है, लेकिन उनमें विश्वास, उनमें ईश्वर है क्या? हमारे व्याख्या में वो बैठता है क्या? जरूर बैठता है। अब देखो हर चीज़ अणु रेणु से बनी है, पत्थर भी अणु रेणु का ही बना है। तो अणु या एटम कैसा होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, और उनकी कक्षा भी सही होती है, बदलती नहीं है। अगर वो बदल गई तो उसके गुणधर्म बदलते हैं। मतलब वो कैसी है व्यवस्था? वो भी स्वयं चलित है, स्वयं नियंत्रित भी है। देखो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई तो उसके प्रॉपर्टीज, वो जो दिखा, वो सब बदल जाते हैं। जैसे कि पानी है जिसको हम H2O बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। जब वो लिक्विड है तब अलग है, जब वो ठंडी हो जाती है तो उसका बर्फ होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। उसको उबाल दिया तो उसकी बाफ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन है वो H2O। मतलब फ्रीक्वेंसी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो स्वयं चलित, स्वयं नियंत्रित है, लेकिन निसर्ग नियमों पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जब पानी था तो उसका टेम्परेचर या तापमान कुछ होगा, वो अगर बदल दिया तो उसका फॉर्म भी बदल गया। मतलब निसर्ग नियमों पर आधारित है। जैसे कि मनुष्य प्राणी है, उसको मनुष्य के नियम लागू होते हैं। अगर पंछी है तो पंछी के नियम, मतलब पंछी उड़ सकता है, आदमी उड़ नहीं सकता है, या मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती है, समझ गए? इसलिए निसर्ग नियमों का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। हम जब निसर्ग नियमों का पालन नहीं करते, उसके सुसंगत हमारी जिंदगी नहीं बिताते, तो अगर निसर्ग नियम हम तोड़ेंगे तो निसर्ग हमें तोड़ेगा। देखो ना, आजकल हम जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री में बहुत से पॉइजनस गैस तैयार करते हैं, उससे ओजोन लेयर कट करते हैं, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, समुन्द्र का पानी का स्तर बढ़ता जाता है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फिर ज़्यादा बादल तैयार होते हैं, और अचानक बहुत बारिश गिरती है और बाढ़ आती है। मतलब हम निसर्ग नियम को तोड़ रहे हैं, तो निसर्ग नियम आपका अपना खुद का प्रताप जरूर दिखाएगी। इसलिए निसर्ग नियमों का जिंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, बहुत ही महत्व है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए, और निसर्ग नियम जो होते हैं इसको सक्रिय कौन करता है? अब हम जिंदगी की तरफ धीरे धीरे जाएंगे कि हमारी जिंदगी कैसे जी जाए। निसर्ग नियम को अगर हमने पहचान लिया तो उस ज्ञान का हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी क्रिया या कर्म करते हैं
तो हम निसर्ग नियम को सक्रिय करते हैं, फिर उसके परिणाम हमें दिखने लगते हैं। निसर्ग नियम कौन कौन से हैं? देखो, क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन का नियम है ना, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे। दूसरा नियम क्या, लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट, ये सब विश्व नित्य नूतन है, यहाँ सब चीज तैयार होती है और नष्ट हो जाती है, फिर से तैयार होती है। हमारे शरीर में भी इतनी पेशियाँ हैं जिसे हम अपोप्टोसिस बोलते हैं, जो कि कितनी पेशियाँ रोज खत्म होती है और कितनी पेशियाँ नवनिर्माण होती है, थियरी ऑफ रिप्लेसमेंट ये है। तीसरी बात, परिणाम है उधर कारण होना ही चाहिए, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सभी जो भी चीज़ होती है जब हम परिणाम देखेंगे तो कारण होना ही होना, हमें कितनी बार उसका कारण मालूम नहीं रहता है। क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप बोलते हैं हम स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हो, तो कितनी अघटित घटनाएं घटती है, तब हम आप क्या कर दें? देखिए, ये जो आधुनिक विज्ञान तैयार हो गया वो भी इस विश्व के निसर्ग नियम पे आधारित है। निसर्ग नियम ही उसका बेसिक फाउंडेशन है, उसके आगे कोई भी साइंस नहीं है। इस आधुनिक विज्ञान में सब डिस्कवरीज है, मतलब उसका शोध किया है, वो सब था पहले से। जैसे सेब पहले से ही नीचे गिरता था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले से ही है, लेकिन न्यूटन ने पहचान ली, इसका उपयोग हमने हमारे जिंदगी में किया और सुख सुविधाएं लाई। इसका मतलब निसर्ग नियम पहले से है, उससे ही ये आधुनिक विज्ञान हो गया। कभी कभी लोग पूछते हैं अगर इतना विज्ञान आगे गया तो अगर हम आईसीयू में गए तो पेशेंट जब अंदर जाता है तो उसके जीवित की कोई गारंटी नहीं लेता है, इसलिए बाहर लिखा होता है, छोटा आई लिखा होता है, आई ट्रीट, ही बड़ा लिखते ही क्योर्स। ऐसा क्यों लिखा होता है? मतलब कुछ समझ में नहीं आता, लोग ऊपर क्यों हाथ दिखाते हैं, मतलब ऊपर ईश्वर है ऐसे संकल्पना करके क्यों दिखाते हैं? इसका कारण यह है, उसका सही मायने ये अर्थ है कि हमें पूरे निसर्ग नियम मालूम नहीं है। निसर्ग नियम अनंत है, जितने भी निसर्ग नियम हमें मालूम होते गए उतना हमारा आयुष्य अच्छा होता गया, हमारी सुख सुविधाएं निर्माण होती गई, क्योंकि हमें कुछ कुछ निसर्ग नियमों की जानकारी होने लगी। और आधुनिक विज्ञान प्रगति मतलब क्या, ज़्यादा निसर्ग नियम का ना जानकारी होना, यही आधुनिक विज्ञान की प्रगति है। अब कि हम इस समय कोरोना वायरस से त्रस्त है, अभी तक हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। निसर्ग नियम का वो एक हिस्सा है, इसलिए हमें प्रगति करने के लिए निसर्ग नियमों की पहचान करना बहुत जरूरी है। हम उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।